हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर, अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ स्कूडा स्लाविया के साथ, और अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है इंडियन मार्केट में। अगर आप आज के टाइम में एक अपर लेवल प्रीमियम सेडान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्कूडा स्लाविया में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है फ्रंट से ओवरऑल डिजाइन इस पर्टिकुलर ऑल न्यू स्लाविया का। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेसिकली ऑल LEDs में इसके हेडलैम्प, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस विल एक्ट एज अ ब्लिंकर, और यहीं पे आपको कुछ DRL का प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फॉग लैम्प देखने को मिलता है जो हेलोजन में दिया गया है। नीचे जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो इन बॉडी कलर, जो थोड़ा सा एक चिन की तरह से इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ओवरऑल जो फ्रंट से एक सेडान का जो लुक होना चाहिए डेफिनेटली, वो आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर क्रोम का ग्रिल है, इसके अंदर आपको कुछ पियानो ब्लैक का इंसर्ट देखने को मिलेगा, अंदर आपको रेडिएटर का भी मिल पा रहा होगा। और यहाँ पर एम्बेडेड है प्रॉपरली चिन में यहाँ पर स्कोडा का लोगो। अगर इस साइड से बढ़ते हैं तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल फ्रंट पे इस तरफ भी देखने को मिलता है। जो ओवरऑल डिजाइन अगर आप देखते हैं तो काफी बेहतरीन हो। यहाँ पर आप बोनेट एरिया देखेंगे तो कुल मिलाकर 4 क्रीजेस से इसको हाईलाइट किया गया है, जो काफी लार्ज इन एरिया है। तो अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर सेडान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं काफी सेफर साइड में आप बैठते हैं। और अभी बेसिकली फॉर द टाइम बीइंग एक आउटडोर सूट है, तो आपको इसकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिल पा रही होगी। अगर हम टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है इस तरह से सीएट की तरफ से टायर। अगर प्रोफाइल की बात करें तो दैट इज 205/55R16 16 इंच के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अंदर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का भी इस्तेमाल किया गया है, कुछ अंदर क्लैडिंग वगैरह भी प्रॉपरली किया गया है, जो कहीं ना कहीं इसके ओवरऑल एक तरह से हर एक चीज नीट एंड क्लीन तरीके से ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर आपको बेसिकली फ्लोटेड स्कोडा की बैजिंग देखने को मिलती है, विच इज बेसिकली बैजिंग नॉट अ लोगो दिस टाइम, जो यहाँ पर आपको इंसर्ट किया गया है। तो ओवरऑल जो साइड से फ्रंट का क्वार्टर पार्ट है वो डिजाइन काफी बेहतरीन हो जाता है। अगर इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBMs देखने को मिलते हैं, जिसपे आपको यहीं पे इंसर्ट किया गया है इसका बेसिकली ब्लिंकर। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका डुअल टोन ORBM, ऊपर का पार्ट बेसिकली बॉडी कलर्ड है। अगर ए पिलर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको बॉडी कलर्ड में देखने को मिलता है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बेसिकली इसका मून रूफ सनरूफ देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर यहाँ पर जो ग्लास एरिया है वो काफी लार्ज काफी बड़ा हो जाता है। एक प्रीमियम अपर सेगमेंट का अगर आप सेडान के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ स्लाविया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया, व्हाट यू कैन गो फॉर इट। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डोर हैंडल मिलता है, जिसमें आपको यहीं पर आउटडोर सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के लिए। पीछे आपको पीछे के डोर्स में हैंडल्स में भी आपको सिल्वर इंसर्ट किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ फ्यूल लिट देखने को मिलता है, जो इस तरह से आप इसको बाहर से ही ओपन अप कर पाएंगे, और यहाँ पर जो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर दिख जाएगी। कुछ इस तरह से आपको पीछे का टायर साइज देखने को मिलता है, जो अगेन 205/55R16 देखने को मिलता है, बट पीछे आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट नहीं किया गया है, ड्रम ब्रेक्स में आपको मिलेगा। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर भी क्लैडिंग देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर स्लाविया की। अगर हम ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइड से दिखती है ये ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया। अगर हम रियर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको रियर से दिखाई पड़ती है स्कोडा स्लाविया। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑलवेज फ्लोटेड तरीके से स्कोडा की बैजिंग है। नीचे आपको कुछ यहाँ पर कैमरा का भी प्लेसमेंट है, और ये नंबर पर टेलीमिनेशन लाइट है, यहाँ पर आपको स्लाविया की बैजिंग है। अगर हम सेंसर्स की बात करें तो 1, 2 और 3 ऑल 3 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और एक सिल्वर लाइन है जो पीछे भी इंसर्ट की गई है, तो इसका जो रियर लुक है वो भी काफी बेहतरीन हो जाता है कंसिडरिंग द सेडान, जो आपको कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेडान है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है, और कुछ इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्लाविया का, जो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। अगर हम लेफ्ट साइड से प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा ये ऑल न्यू स्लाविया, जो अभी फॉर द टाइमिंग आप डेफिनेटली अगर आप किसी भी सेडान के लिए प्लान कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास, तो आपको डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट करना चाहिए। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट तरीके से टेल लैम्प मिलता है, जो इतना पार्ट है वो आपको बेसिकली रियर बूट में आ जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कुछ इस तरह से यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है ऑलवेज।
तो काफी बेहतरीन एक तरह से हर एक डिजाइन एलिमेंट का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर आपको ये बेसिकली हैलोजन बेस्ड है, बाकी जो लाइट्स हैं अब वो आपको एलईडीज में ही देखने को मिलेंगी। अगर हम लेफ्ट साइड से पूरी प्रोफाइल को एक बार दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन साइड प्रोफाइल हो जाता है इस पर्टिकुलर स्कोडा स्लाविया का। अगर हम पीछे के डोर्स की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको रियर डोर देखने को मिलता है, जो ऑलवेज प्रॉपर जो हार्ड प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फील देने के लिए यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल है। पावर विंडो का स्विच है, कुछ मैप पॉकेट होल्डर के साथ 1 लीटर बॉटल होल्डर, यहाँ पर आपको स्पीकर का और कुछ भी स्पीकर वगैरह की बैजिंग नहीं है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ से आपको कुछ इसकी सेफ्टी का रिजेंबल मिलता है। एज ऑलवेज मैं यहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो चेसी है वो काफी हैवी है, तो आपको यहाँ पर एक सेफेस्ट सेडान में आप बैठते हैं। और नीचे का पार्ट अगर आप देखेंगे तो एक जो प्रीमियम सेडान जिसको कहते हैं उस तरह से आपको जो मैट है नीचे का वो भी आपको ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप एक बेहतरीन प्रीमियम गाड़ी में बैठेंगे। पीछे का सीट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको लेदर टच फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसके हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, पीछे का भी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबली देखने को मिलता है। और अगर इस साइड से आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का प्लेसमेंट है जो आपको एक तरह से लेदर रैप में ही देखने को मिलता है। काफी बेहतरीन बिल्ट है और कुछ नेचुरल लाइट की वजह से आपको इसका जो व्यू है वो थोड़ा क्लियर मिल पा रहा होगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे हर एक चीज को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से सेम वही प्रोफाइल है उस टाइप के डोर का। पीछे कुछ इस तरह से आपको एलिमिनेशन लाइट्स देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है कुछ इस तरह से रीडिंग लैंप की तरह से। और यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल, उस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। पीछे के साइड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली एसी का प्रोविजन रियर साइड में भी, और नीचे आपको दो टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम अपने ही इसके एक तरह से सब्सिडियरी की बात करें जो प्लेटफॉर्म शेयर किया गया है दैट इज फॉक्सवैगन वर्टिस, तो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिल पाएगा इस पर्टिकुलर स्लाविया का। अगर हम फ्रंट पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो वो भी काफी एक तरह से सिमिलर है रियर डोर की तरह से, यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इसका पावर विंडो का स्विच। यहाँ कुछ ग्लॉसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक ग्लॉसी, और यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर में आपको इसका डोर नॉब देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ आपको जगह मैप पॉकेट होल्डर के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और मैगजीन होल्डर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक जो मिसिंग एलिमेंट मुझे लगा कहीं भी मैं यहाँ पर कोई अम्ब्रेला होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, विच शुड हैव देयर, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रीमियम सेडान है तो अम्ब्रेला होल्डर तो ऑब्वियसली ऐसी गाड़ियों में दे देना चाहिए था। अगर हम एक बार बाहर से ही इसके इंटीरियर को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन काफी प्रीमियम आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक तरह से एसी ग्रिल है जो सर्कुलर शेप में है। ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर इंसर्ट देखने को मिल रहा है वो काफी प्रीमियम हो जाता है क्योंकि मैट में आपको यहाँ पर इंसर्ट है, ये ग्लॉसी है और ये डल है। कुछ कुल मिला के एक तरह से मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन और मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जो इसका डैशबोर्ड है वो वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट में बोलूंगा जो आपको स्लाविया में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका सीट वो लेदर अपॉस्टी में है जिसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स के प्रोविजन है, यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो ऑब्वियसली आप स्लाइड कर पाएंगे एक्सटेंड कर पाएंगे, और इसके नीचे आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका बेसिकली हैंड ब्रेक जिसमें आपको सिल्वर का इंसर्ट है, कप होल्डर्स वगैरह है, यहाँ पर आपको कॉइन होल्डर है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आपको बटन्स देखने को मिलते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर आपको कुछ लॉक का बटन मिल जाएगा और ये बेसिकली 6-speed मैनुअल इसका गियर बॉक्स है। यहाँ पर आपको कुछ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम एक बार इसके ग्लव बॉक्स को दिखाएं तो आप देख सकते हैं काफी डीप काफी बड़ा यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, काफी स्पेसियस है। यहाँ पर आपको देखेगा एक तरह से कंट्रोलर जिसमें आप इसके कूल ग्लव बॉक्स के इस टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो अपने आप में एक बेहतर चीज हो जाती है। जिस तरह से आपको दो रिमोट कीज देखने को मिलती है स्कोडा स्लाविया के साथ, इसमें आपको लॉक अनलॉक के साथ साथ आपको यहाँ पर बेसिकली बूट का एक्सेस मिलता है, और ये फ्लिप कीज है कुछ इस तरह से आपको इसको ओपन भी कर सकते हैं।
एक बार अगर हम बूट को दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं काफी वेल ऑर्गेनाइज बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके नीचे आपको कुछ यहाँ पर स्पेयर टायर देखने को मिलेगा, आई बिलीव दैट इज सिमिलर साइज, बट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर जो मटेरियल है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मैटिंग वगैरह, वो काफी प्रीमियम है। सीट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती हैं 60-40 में, वो बेहतर चीज है। यहाँ पर कुछ एक्सपोज्ड है और यहाँ पर भी कुछ आपको एक्सपोज्ड एरिया देखने को मिलता है, विच वॉज यू नो नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। यहाँ पर कुछ देखेंगे आप तो एक्सपोज्ड वायर वगैरह है, जो थोड़ा सा अंदर से जो काम है वो और प्रीमियम हो सकता था। ऑल्दो यहाँ पर आपको एक बेसिकली एक यहाँ पर बूथ के लिए लैंप जरूर देखने को मिल जाएगा, तो नाइट में आपको इजी रहेगा यहाँ पर कोई भी लगेज पार्सल को रखना। बूट स्पेस की जो कैपेसिटी है डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। अगर रियर विंडशील्ड की बात करें तो वहां पर आपको डिफॉगर के प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको बेसिकली इसका हाई स्टॉप लैंप कह सकते हैं जो यहाँ पर देखने को मिलता है, और ऊपर कुछ साक्विन एंटीना आपको देखने को मिलता है। अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो वो काफी यहाँ पर एक तरह से प्रीमियम फील होता है, बट यहाँ पर जो मटेरियल है डेफिनेटली वो हार्ड प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ग्लॉसी का इंसर्ट है, सिल्वर में डोर नॉब देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एंटी पिंच सेंसर भी देखने को मिलता है, यानी अगर ये विंडो रोल अप हो रहा है और आपका एक्सीडेंटली कोई यहाँ पर अगर हाथ वगैरह आ जाएगा तो डेफिनेटली आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक, ऑल फोर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको RBM के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, और ये बेसिकली स्कफ एरिया है जहाँ पर कोई बेसिकली यहाँ पर कोई स्लाविया वगैरह की बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर हम सीट्स की बात करें तो वो यहाँ पर मैनुअल एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो हाइट एडजस्टमेंट का फीचर है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। अगर हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और कुछ इस तरह से एक तरह से आप इसको अगर इसके DRL को ऑन करना है तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट के लिए भी प्रोविजन देखने को मिलता है। ये जो साइड है यहाँ पर वाइपर देखने को मिलते हैं, वाइपर के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम ऑलवेज चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है फीचर वाइज। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। अगर एक बार हम इसको ऑन करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फुली डिजिटल यहाँ पर आपको कंसोल देखने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल जो प्रॉपरली यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में आपको चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, और आपको स्टीयरिंग पर ही बेसिकली क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एम्बेडेड है बेसिकली स्कोडा का लोगो। जो स्टीयरिंग है वो 2-स्पोक स्टीयरिंग है जो एक तरह से अब सिग्नेचर हो चुका है स्कोडा का। यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अगर हम इसको आपको एक क्लोजर लुक से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पर आपको स्कोडा का बैजिंग और इस साइड भी स्कोडा का बैजिंग है। जो ऊपर का पार्ट है वो प्रॉपरली आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अराउंड 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ फिजिकल एक तरह से टच प्रेस बटन्स भी देखने को मिलती हैं, फ़ोन, ऐप्स, कार, मेन्यू। अगर हम मेन्यू में को प्रेस करें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे रेडियो, टेलीफोन, साउंड, सेटिंग्स, मीडिया, स्मार्ट लिंक का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको व्हीकल इंफॉर्मेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और 2 फिजिकल बटन हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, एक तरह से वॉल्यूम नॉब है, और यहाँ पर आपको चैनल कंट्रोल के लिए दिया गया है। ऊपर की साइड बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बेसिकली केबिन एल्यूमिनेशन लाइट दिया गया है, और यहीं से बेसिकली आप अपने सनरूफ को एक्सेस कर पाएंगे। आई होप अभी आपको अब विजिबिलिटी मिल पा रही होगी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम सनरूफ को एक बार ओपन करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इतना आपको विजिबिलिटी मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कोडा स्लाविया में, जो अपने आप में एडुकेट साइज है एक सेडान को देखते हुए। अगर हम ओवरऑल इस प्रीमियमनेस की बात करें तो वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक प्रीमियमनेस आपको डेफिनेटली एक सेडान में बैठते हुए फील होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एयर केयर यानी आपको एयर प्योरीफायर भी देखने को मिल जाता है, हजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर केबिन देखने को मिल रहा है, जो एक इम्प्रेशन है इसका, वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी प्रीमियम लगता है यहाँ पर इस स्कोडा स्लाविया का इंटीरियर। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी अभी मैं बैठा हूँ स्कोडा स्लाविया में। अगर हम हेडरूम की बात करें तो वो काफ़ी ठीक ठाक है, एक सेडान को देखते हुए काफ़ी बेहतरीन स्पेस यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हेड का सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर है। इस साइड में हमको जो साइड सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर मिल रहा है, और यहाँ पर हमको साइड सपोर्ट मिल रहा है, थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, सब कुछ काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, जो एक सेडान में बैठने के बाद आपको डेफिनेटली
फील होना चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आई बिलीव हमने जो भी ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे वो कवर कर लिया। इनफैक्ट अगर कुछ भी छूट गया है तो रिकमेंड किया आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, स्कूडा की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन, थैंक यू।